हेलो दोस्तों, आज हम पार्ट 7 है वो करने जा रहे हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? तो इसका आंसर है सालर वृक्ष है, वो फिर गोंद के लिए राजस्थान में अच्छा वृक्ष है। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर है कथक नृत्य है। कुंडी नेशनल पार्क है वो भी चेन्नई में स्थित है, कुंडी नेशनल पार्क। कोकोजी का जन्म स्थान जो कि ददेरवा है, चूरू में पड़ता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी जो नियुक्ति करता है वो फिर राज्यपाल करता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर है फजल अली आयोग। हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर है मक्कालू। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महारावा की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो इसका आंसर दोस्तों करौली ने सैनिक सहायता भेजी थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महारावा की सहायता करने के लिए। फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रनर अप रही? तो इसका आंसर है रूबल शेखावत। शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी को कहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों फाबर, कहते हैं फाबर। गोवा में आयोजित IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समारोह 2022 में किसे पुरस्कार भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया? इसका आंसर है चिरंजीवी। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है तो श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाएं हैं, वो राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों वर्षा का समान वितरण है, और फिर राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने का उत्तरदायी कारण नहीं है। समुद्र से दूरी, प्रचलित पवन और तापमान ये तीनों ही हैं। राजस्थान के किस जिले में हैवेल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? तो हैवेल्स इंडिया की फैक्ट्री है वो फिर इंडिया में स्थित है। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत शरण पंत ने शरण दी थी? तो इसका है जोधासिंह। राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नीमराना। अचलगढ़ दुर्ग है वो फिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। आहाड़ का उत्खनन कार्य HD सांकलिया के द्वारा संपादित हुआ था, HD सांकलिया। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में 1938 में हुई थी, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। प्रतिहार शासक वत्सराज के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुल वल्यमाला की रचना हुई? इसका दोस्तों आंसर है वत्सराज कुवल्यमाला एवं हरिवंश पुराण की रचना हुई थी वत्सराज के शासनकाल के समय। राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है? इसका दोस्तों आंसर है 8 जिलों में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसको टाडा बोलते हैं, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है। माई कंचन और माई धवल है या फिर मक्का की किस्म है? निम्नलिखित में से किसे जिले में महाराव शेख जी शस्त्र बल परीक्षण अकादमी निर्माणाधीन है? तो इसका आंसर है सीकर है, शेख जी शस्त्र बल परीक्षण अकादमी सीकर। 7-8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है जयपुर। राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एंड न्यूरोलॉजी जो कि राजस्थान सर्वे में भी है की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है अजमेर के अंदर JLN मेडिकल कॉलेज। हर्ष जयपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कि 1/6 हैं सदस्य हैं वो फिर विधान परिषद में सदस्य नामित किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा।
छप्पन का मैदान स्थित हैं, तो ये है छप्पन का मैदान है वो, फिर प्रतापगढ़ और कुशल बांसवाड़ा में स्थित हैं, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा छप्पन का मैदान। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप है वो फिर ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, जिसे मांजुली द्वीप है जो कि भारत में स्थित है। मांजुली द्वीप हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है, तो इसका आंसर है राखी गढ़ी के अंदर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी है जो फिर हरियाणा में स्थित है राखी गढ़ी। कैलाश सांकला है वो भी बाघ संरक्षण से संबंधित है। मौलिक अधिकार के हनन पर प्रभावित व्यक्ति रेट याचिका पेश कर सकता है, उच्च न्यायालय दोनों में पेश कर सकता है। मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट हैं वो उच्च और उच्चतम यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में पेश कर सकता है। देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में 8वां क्रम है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 8वां क्रम है। मालपुरा करौली मैदान है वो फिर बनास बेसिन का मैदान है, बनास बेसिन मालपुरा करौली। गोविंद गिरी के औद्योगिक केंद्र 1911-1912 में बेडसा था, तो इसका आंसर होगा बेडसा। पैनगंगा है वो फिर गोदावरी की शान गंगा है, पैनगंगा वैनगंगा ये सभी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने पूरा करवाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जसवंत थड़ा का निर्माण है वो फिर महाराजा सरदार सिंह ने करवाया। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में बोलने वाली बोली हाडोती बोली है। राजस्थान की हेमांग जायसवाल जूडो की खिलाड़ी है, हेमांग जायसवाल है वो जूडो से संबंधित हैं। किस वर्ष भारत ने चंद्रयान 1 छोड़ा था, तो इसका आंसर 2008। किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है वीलो की लकड़ी क्रिकेट का बल्ला। एयर मार्शल शेख अब्दुल हनान फ्लाइट कैडेट की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि थे, तो इसका वे हैं बांग्लादेश से हैं एयर मार्शल शेख अब्दुल हनान। अहमदाबाद में 76वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था, 36 खेलों का आयोजन। राजस्थान में ग्राम पंचायत की कुल संख्या है, तो इसका आंसर है 11,283 मतलब 11,238। भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा मंगोलिया में किया गया था, जो कि चीन के ऊपर मंगोलिया वहां पर किया गया था 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है, तो पहला पूछ रहे हैं राजस्थान का वो है कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र कोटा। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवाया, तो इसका आंसर है दोस्तों नागभट्ट प्रथम थे शासक थे जिन्होंने न केवल अरबों को आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि उनके शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त कराया, ये नागभट्ट प्रथम है वो भी प्रतिहार शासक थे। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है वो फिर 1977 से 78 में चालू करवाया गया था, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम 1977-78 में। निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य उत्तरदायित्व संभाला, भारतीय पुरातत्व ए सही बोलते हैं जिसको भारतीय पुरातत्व संरक्षण नई दिल्ली ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक हैं वो फिर पूनम गुप्ता हैं, इसकी पूछे कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक। श्री कलराज मिश्रा हैं वो राजस्थान के 44वें राज्यपाल हैं, 44 कलराज मिश्रा। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग महापुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, तो ये जसनाती संप्रदाय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, जीवन की रक्षा अनुच्छेद 20 नौकर जीवन की रक्षा का अधिकार
फिर अनुच्छेद 21 है, एक भूस्तर उपग्रह है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है और फिर 36,000 किमी मध्य रेखीय तल पर छोड़ा जाता है कि इस किलोमीटर का वो भी 36,000 है, फिर भूमध्य रेखीय होगा इसका आंसर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।